हेलो गाइस, वेलकम बैक माय स्टडी चैनल। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास टेंथ मैट्रिक बोर्ड परीक्षा हिस्ट्री का चैप्टर टू समाजवाद एवं साम्यवाद के सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण 5 प्रश्न को देखेंगे। ये 10 मार्क्स पक्का आ जाएगा जब आप इसको याद कर लीजिएगा तब। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है खूनी रविवार क्या है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में। आपसे पूछेगा 1905 ईस्वी में किस किस के बीच युद्ध हुआ था, तो रूस और जापान के बीच में एक युद्ध हुआ था। तो 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस जो था वो बुरी तरह से पराजित हो गया था। किससे? जापान से। वो हार गया था, रूस बुरी तरह से पराजित हो गया। पराजित मतलब हार गया, ठीक है, पराजित मतलब हार गया। पुनः 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों ने रोटी दो नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जाने लगे। क्या किए लोग जो थे वो रोटी दो नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जाने लगे। तब जार किसे कहा जाता है, तो रूस में सम्राट को जार कहा जाता है। तो जार के सेनाओं ने निहत्थे पर गोलियां बरसाई, मतलब उन सभी लोगों पर क्या किया, गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मर गए थे। जिस दिन यह घटना हुई थी वह रविवार का दिन था। क्या था? जिस दिन यह घटना हुई थी वह रविवार का दिन था, इसीलिए इसे खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछेगा कि खूनी रविवार का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम लाल रविवार भी है, ठीक है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। यही हमारा प्रश्न है, ये आपको 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है, ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए अब हम दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, सर्वहारा वर्ग क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। क्या हो जाएगा सर्वहारा वर्ग? समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति किसे कहते हैं? इसका दूसरा नाम है अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं बोल्शेविक क्रांति किसे कहते हैं। तो बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को क्या हुआ था। पुराने रूसी कैलेंडर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बोल्शेविक क्रांति पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार कब हुई थी, तो 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी और नए के अनुसार 7 नवंबर 1917 ईस्वी, ठीक है। तो क्या हुआ था, 7 नवंबर 1917 ईस्वी पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर क्या किया था, अधिकार कर लिया था। कौन कर लिया था? बोल्शेविक ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। और क्रेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। और जिस दिन यह घटना हुई थी वह अक्टूबर का महीना था, इसीलिए इसे अक्टूबर या बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन आएगा बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। बोल्शेविक क्रांति का दूसरा नाम क्या है, तो बोल्शेविक क्रांति का दूसरा नाम अक्टूबर क्रांति है। तो ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी, ठीक है, 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी, ठीक है। तो चलिए अब हमारा 4 नंबर प्रश्न है, पूंजीवादी व्यवस्था क्या है। तो चलिए देखते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं का अधिकार निजी व्यक्तियों के पास रहता है। मतलब क्या होता है पूंजीवादी मतलब क्या हुआ, जिनके पास पूंजी होगा, ठीक है। तो पूंजीवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं, मतलब जितना उत्पादित हुआ होगा वस्तु और सेवा, मतलब शिक्षा हो गया, बैंक हो गया, ये सभी क्या हो गया, सेवा में आ जाते हैं। तो वस्तुएं एवं सेवाओं का अधिकार निजी व्यक्ति, मतलब सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के पास रहता है, और इसका उपयोग निजी कामों में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, निजी कामों में। निजी मतलब होता है अपना, अपने कामों में किया जाता है, इसे ही पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है, समझ गए। पूंजीवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अधिकार निजी व्यक्तियों के पास रहता है और इसका उपयोग निजी कामों के लिए किया जाता है, इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। चलिए
चार नंबर प्रश्न समझ गए। अब हमारा पांच नंबर प्रश्न आ रहा है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? जो क्रांति हुआ था कब क्रांति हुआ था? तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को जो क्रांति हुआ था, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को जब क्रांति हुआ था, जो क्रांति हुआ था तो उसमें पूछा है इसमें कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। क्या थी? अत्यंत दयनीय मतलब खराब थी, ठीक है। उसके पास खेत के छोटे छोटे टुकड़े थे, जो किसान थे उनके पास क्या था, खेतों के छोटे छोटे टुकड़े थे। क्या थे? छोटे छोटे टुकड़े थे, जहां पर वह पुराने ढंग से खेती करते थे, ठीक है। मतलब छोटे छोटे टुकड़े थे खेतों के, तो वहां पर पुराने ढंगों से खेती करते थे, ठीक है। उनके पास पूंजी का अभाव था, पूंजी मतलब उनके पास रुपयों का अभाव था। वे करों के नीचे दबे हुए थे, क्या थे वो, करों के नीचे मतलब रुपयों के नीचे दबे हुए थे। मतलब क्या हो गया इसका, मतलब हो गया दबे हुए थे मतलब बहुत सारा कर्जा होगा, मतलब इसी के तहत वो दबे होंगे, इसीलिए उन्हें क्रांति के सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं मिला। यही हम लिख देंगे, तो इतना लिखने के बाद आपको मिलेगा 2 नंबर, ठीक है। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।